जल्दी अपन ओमकारेश्वर पहुंच गए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारा जय श्री महाकाल, आज हमारा उज्जैन का दूसरा दिन है। आज हम आए हैं प्रभु का, आज पूरे जितने भी अपना आज बचा हुआ है हमारा दर्शन करने के लिए। आज तो अभी तक काल भैरव भी नहीं गया है। आज अपन आए हैं विद्या स्थल जहाँ श्री कृष्ण भगवान का पाठशाला है बोलते हैं, तो आज अपन पूरे आश्रम में दर्शन करेंगे, उसके बाद सीधा अपन जाएंगे काल भैरव के रूट पर। तो फिर आपको वीडियो में पूरा दिखाएंगे, आज का हमारा दूसरा डे है, मिलते हैं फिर अपने वीडियो में। पहुंच गए हैं श्री मंगल मंदिर, मंगलनाथ की मंदिर, जहां हर प्रकार की दोषों का निवारण होता है ऐसा बोला जाता है। यहां प्रसाद अपन लिए तो हमको पता चली ये अपना मंदिर है श्री मंगलनाथ मंदिर। आ गया है मंदिर के अंदर, मंगलनाथ जी का मंदिर। ये जो अपन मंदिर का दिख रहा है आपको, ये मंदिर है अभी बंद, अंदर कंस्ट्रक्शन में है। ये अपन ले लिए फूल प्रसाद। ये पिंडदान स्थल है, यहाँ पिंडदान की जाती है। यहाँ कौन प्रभु का मंदिर, ये पीछे है काल भैरव मंदिर। अपन अभी लाइन बहुत ही भीड़ है दोपहर के टाइम, फिर भी अपन जाते हैं फिर प्रभु का दर्शन करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, कोशिश करेंगे अगर मौका मिले तो आपको दिखाएंगे भी इस वीडियो में। तो प्रभु का ये मंदिर है पीछे बैकग्राउंड में। दर्शन वहाँ काल भैरव का पूरा हो गया। ये अपनी ज्योतिर्लिंग जो धरती जलती है, ये अपना भूतकाल मंदिर का परिसर मंदिर भी है। ये अपना
अपन जा रहे हैं अभी श्री ओंकारेश्वर मंदिर, तो उसके लिए अपन ऑटो ले चुके हैं और ऑटो से अपन मेन रोड होते बस स्टेशन जाएंगे, बस स्टेशन से अपन उसके बाद ओंकारेश्वर के लिए निकलेंगे। यहाँ से शायद 3 घंटे की रास्ता बताई गई है, अब देखते हैं जाके वहाँ पर कितने घंटे लगती है। अभी तो अपन निकल चुके हैं ऑटो से, फाइनली अपन बैठ गए हैं ओंकारेश्वर के लिए। अपन ऑटो से उठने जाएंगे तो बस में सब से ऊपर बस में सब कुछ पूरे दिखा नहीं पाए, बट अपन बस बैठ गया ऑटो ओंकारेश्वर के। अपन ओंकारेश्वर पहुंच गए, अभी अपन निकले थे अपना इंदौर से अपने इस बस पे, अभी अपन पहुंच गए मंदिर के पास, अपन रूम लेंगे। और पूरी रास्ता ऐसा बढ़िया था रास्ता रहने के लिए, तो पूरी घाटी से बंधी हुई है अपनी पूरी रास्ता, तो मिलते हैं हो सकते तो अभी तो फ्रेश होकर तुरंत जाएंगे मंदिर, क्योंकि 10 बजे बंद हो जाती है बोल रहे हैं मंदिर को, तो फिर आपको भी दर्शन कराने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि वहाँ अपन को मिल सकती है कि नहीं वीडियो के लिए, फिर बने रहिए वीडियो में। अपन जा रहे हैं ओंकारेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए, अपन ये बहुत ही प्यारा अपना दृश्य है अपना, ये जो घाट है पुल क्रॉस करते हुए मंदिर जाना है, ये मंदिर का ये मेन रास्ता है, ये आपको पूरी देखिए कितनी सौंदर्य है इसके रास्ते में पूरा, ये देखिए पीछे का बैकग्राउंड है घाट के किनारे है पूरा, बहुत ही प्यारा मतलब दृश्य है ये जाने के लिए। अपन ही जा रहे हैं ऊपर, देखिए ऊपर रास्ते भी है, आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। फाइनली मंदिर के बगल से अपने रास्ता ये जा रहे हैं अपन ओंकारेश्वर मंदिर का, ये पूरा रास्ता है सीढ़ी से लगी हुई, पूरा ऊपर हम पहाड़ों पे है मंदिर, अपन ओंकारेश्वर मंदिर आ चुके हैं, ये अपनी पूरे लगी हुई है पूरी लाइन सब दर्शन करने के लिए, ये आपको पूरी दिखाते हैं करीब। ओंकारेश्वर का मंदिर जो गुफाओं में है, बार-बार सुना तो नहीं। कि हमें प्रभु श्री ओंकारेश्वर के मंदिर का दर्शन हो चुका है शिवलिंग का, अब हम चले अपने रूम की ओर, और आज का हमारा डे टू में आज पूरी कंप्लीट हो गई हमारी दर्शन, अब हम सीधा कल अब जाएंगे इंदौर, इंदौर से अपन खजराना जो मंदिर है गणेश मंदिर वहाँ की दर्शन करेंगे, उसके बाद अपन सीधा फिर अपने घर के लिए निकलेंगे। अभी आज का अपन का पूरी तरह से कंप्लीट हो गई दर्शन, अब निकलते हैं फिर, जय श्री महाकाल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज का डे टू का था अपना पूरा पार्ट वीडियो में, और ये अपना वीडियो कंप्लीट होते हुआ आपकी पूरी दृश्य है, ये मंदिर, ये जो मंदिर है जो दिख रही है रेड कलर की आपको, वही मंदिर है अपनी, जय श्री महाकाल।